ओर से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहीं स्थिति सामान्य दिख रही है तो किसी सीट पर कार्ति की टक्कर नजर आ रही है। बात करें हम मध्य विधानसभा क्षेत्र की तो यहां भाजपा ने पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया है। 10 साल बाद उन्हें यह टिकट दोबारा मिला है। जनसंपर्क और उनकी उम्मीदवारी को लेकर ध्रुव नारायण सिंह से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से ध्रुव नारायण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनके साथ काफी लोग हैं और काफी लोग लगातार उनके साथ उनके समर्थन को बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस स्थिति ध्रुव जी से हम बात करते हैं कि किस तरह से उनका जन समर्थन चल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। ध्रुव जी किस तरह से लेते हैं? लोग चाहते हैं मुझे और इसीलिए पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया है और वो उत्साह लोगों में दिख रहा है। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें जिन क्षेत्रों में मध्य में आप जा रहे हैं, 5 साल से कांग्रेस का एमएलए है यहाँ पर, आपको लगता है कि बहुत कुछ उसने किया है या नहीं किया है? और नहीं किया है तो कौन से काम है जो इन बस्तियों में करने? 5 साल में कोई काम नहीं किया कांग्रेस एमएलए ने सिवा भ्रष्टाचार के। पूरे 10 करोड़ विधायक निधि उसने एक आदमी से ठेकेदारी करवाई आरिफ बेग नाम के, और किसी दूसरे को काम नहीं मिला। इससे सिद्ध होता है कि उसने पूरे फंड में चोरी की है और कहीं कोई काम नहीं दिखेगा, सिर्फ बोर्ड दिखेंगे। बोर्ड लगे हैं, काम नहीं है। बिना काम की बोर्ड लगा दिए, इस बार जनता भी इसी काम से खाली रही है, जनता उनकी पेटी भी खाली रखेगी। लेकिन आरोप भी कई लगा रहा है कांग्रेस प्रत्याशी आपके ऊपर कि ध्रुव जी की छवि ठीक नहीं है और किस तरह से वो लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वो एक आपके लिए एक टास्क तो होगा कि लोगों के बीच आपका प्रेम बना रहे। आप देख लीजिए, गुंडा है, गुंडा लिस्ट में उसका नाम था, गदर कांड का आरोपी है, वो किसने उंगली उठाएगा? आप उसका सवाल रख रहे हैं, मुझे यही आश्चर्य है कि आपको ऐसे गुंडे आदमी के से लेके इस तरह की बात आप कर रहे हैं। वो खुद गुंडा है, रिनाउंड गुंडा है। जी बिल्कुल, ध्रुव जी का कहना है कि निश्चित ही जो सिटिंग एमएलए है उन्होंने कोई काम नहीं किया और लगातार वो कहीं ना कहीं आपराधिक तत्वों को संरक्षण देते हैं, और ध्रुव जी इस बात को नकारते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ विकास हो, लोगों के बीच में जाकर वो बेहतर काम कर पाए और लोग उन्हें पूरा आशीर्वाद देंगे।